Hello, friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. Okay, so we were dealing with the series of modern Indian history. Up till now, we have entered the Gandhian era in our series. Okay, in our last lecture, we have dealt with the three important Satyagrahas in which Gandhiji was involved in the initial years that was Kheda Satyagraha, Champaran Satyagraha, and Ahmedabad mill strike. So the next topic in our agenda is Role Act. We have to deal with the Rolect Act thoroughly. तो क्या था ये रॉलेट एक्ट आज हम ये देखने वाले हैं एक एक्ट पास था 1919 में किसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में ये एक्ट 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 ठीक है दिस इज बीन रिगार्डेड एज द ब्लैक तो हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा प्रोविजन थे जो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया इसमें ऐसी क्या बातें थी जो इंडियन सेंटीमेंट को आगे जाके हर्ट करती हैं तो द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू तो बी कन्टेड विदाउट ट्रायल नाउ नोट द टर्म हियर कन्विक्टेड विदाउट ट्रायल इस एक्ट के तहत जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था बिना कन्विक्शन के अब अट इज बिना कन्विक्शन के कन्विक्शन के बिना मतलब जैसे एक रूल है कि आपने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियर बाय कोर्ट में ले जाके उसको उसकी गलती के लिए गिल्टी फील कराना है मतलब गलत प्रूफ करना है आपको 24 फोर आवर्स में तो इस एक्ट के तहत उनने कहा कि हम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट करेंगे एंड दे विल बी कन्विक्टड विदाउट ट्रायल मतलब बिना गिल्टी पाए उन्हें हम अरेस्ट कर सकते हैं देखिए आप तो इस तरीके से वो क्या हमारे नेशनलिस्ट को नेशनलिज्म को टारगेट कर रहे थे दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि द अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वॉरेंट अब देखिए आप बिना वारंट के अरेस्ट करेंगे और मेयर सस्पीशन अगर उन्हें किसी पे शक है कि ये आगे जाके व्यक्ति कुछ करने वाला है तो हम उस पर भी मेयर सस्पीशन पे अरेस्ट कर लेंगे बिना प्रूफ के हम हाँ वो अरेस्ट कर लेंगे ये तो था ही उसके बाद हमको कोई लीगल हेल्प हम नहीं ले सकते जो एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं दे वर नॉट अलाउड टू टेक एनी लीगल हेल्प मतलब उनका कोई लॉयर आकर उनको छुड़वा नहीं सकता तो रॉलिक एक्ट एक के ये जो थे ये ब्लैक प्रोविजन्स

अब जब ये एक्ट पास किया गया तो ऑब्वियसली इंडियंस जो थे वो चुप रहने वाले तो थे नहीं उनके जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे दे वो हर्ट तो रिस्पॉन्स आता है इसका क्योंकि अभी गांधी जी ने इंडियन की नेशनलिज्म में अपने कदम रख चुके थे थ्रू दी प्रीवियस सत्याग्रह वी हैव डेल्ट इन लास्ट चैप्टर तो वो एक मास प्रोटेस्ट का जो तैयारी कर ही रहे थे बस उनको मौका चाहिए था कि एक ऐसा इंसिडेंस है या एक ऐसा इवेंट उनको मिल जाए जिसके बैकग्राउंड में वो एक मास मोमेंट स्टार्ट कर पाए तो गांधी जी इस रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में कॉल्ड फॉर अ मास प्रोटेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर इस प्रोटेस्ट का अरेजमेंट किया गया था ठीक है उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है उसको कहा जाएगा रॉलेट सत्याग्रह हम सत्याग्रह करेंगे अगेंस्ट वॉट रोलेक्ट एक्ट ठीक है अप्रिल सिक्स नाइनटीन सिक्सटीन में इनफॉर्मली इसको लॉन्च कर दिया गया कि अब हम लॉलेट सत्याग्रह चालू करेंगे अब वॉट वर द प्रोग्राम्स अंडर दिस रॉलेट सत्याग्रह तो इनने कहा कि नेशनल वाइड स्ट्राइक करेंगे ठीक है नेशन के सारे लोग धरना देंगे कैसे देंगे थ्रू देयर फास्टिंग फास्टिंग करेंगे प्रेयर करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस करेंगे व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस नाउ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो अगर हमें कोई ऑर्डर देगी कि यहाँ मास प्रोटेस्ट नहीं हो सकता आप जाइए इस जगह को खाली करिए तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे ठीक है इस तरीके से नेशनल वाइड स्ट्राइक की जो अनाउंसमेंट है रॉलिट सत्याग्रह के अंदर गांधी जी करते हैं लेकिन बिना बिफोर लॉन्चिंग रॉलेट सत्याग्रह अभी लॉन्च होता ही उससे पहले देर व लार्ज स्केल वॉयलेंस क्योंकि रॉलेट एक्ट से जो लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़क चुके थे तो दे स्टार्टेड डूइंग वॉयेंट एक्टिविटीज

तरीके से वॉयेंट एक्टिविटीज सामने देखने को मिलती हैं इवेंट देखने को मिलता है जलियां वाला बाग तो अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से ये, ये, तरीके से ये दोनों इवेंट रॉलेक्ट एक्ट और जलियां वाला बाग जो है इंटरकनेक्टेड है हमने देखा कि वॉयेंट एक्टिविटीज होने लग गई जैसे ही रॉलेक्ट सत्याग्रह लॉन्च हुआ हमने देखा कि वॉयेंट एक्ट एक्टिविटीज होने लग गई इन एक्टिविटीज का सबसे ज्यादा असर पड़ता है अमृतसर में ठीक है ब्लडेड जो यंग ब्लडेड मेंस हैं वो ज़्यादा गर्मी रहती है उनके खून में तो वो क्या करते हैं वॉयलेंट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा देखा गया अमृतसर में अब क्योंकि मार्शल लॉ लगा दिया गया था तो और इसके अंदर था ही कि दे कैन अरेस्ट एनी वन ऑन मीयर्स स्पीशन तो अप्रैल नाइन में सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल हमें ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखने डायरेक्ट आ जाता है दोनों नाम को लगाना है सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी का अरेस्ट कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स तो इस बात पे अमृतसर के लोग और भड़क जाते हैं ठीक है थीके? इसके बाद क्या होता है सॉरी अप्रैल थर्टीन को जो डे ऑफ बैसाखी है ठीक है बैसाखी के दिन जलियावाला बाग में एक जगह रहती है एक पार्क रहता है वहाँ पर हर साल लोग गैदर होते हैं और बैसाखी मनाते हैं तो उस साल भी वैसा ही कुछ किया जाता है पर क्योंकि सिटी में कंट्री में मार्शल लॉ लगा था मार्शल लॉ के तहत आप ऐसे क्राउड गैदर नहीं कर सकते थे तो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं से खबर लगती है कि वहां पर लोकल लीडर्स भी इकट्ठे हो रहे हैं फॉर अ प्रोटेस्ट मीटिंग लोकल लीडर्स हालांकि उस भीड़ में कुछ लोकल लीडर्स भी गैदर uh, होते हैं फॉर अ प्रोटेस्ट मीटिंग तो जब इसकी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगती है तो उस टाइम जो जनरल डायर रहते हैं अब जनरल डायर वॉज ब्रिगेडर जनरल इन द आर्मी एट दैट टाइम इन अमृतसर वो पहुंच जाते हैं कहाँ जलियावाला बाग मैसेकर में अपने ट्रूप्स को लेकर और क्या करते हैं कि जलियावाला बाग की जो ओनली एग्जिट ठीक है ओनली वन पॉइंट वॉज देयर वेयर फ्रॉम वेयर पीपल कैन कम आउट उसको ब्लॉक कर देते हैं और पूरे जलिया वाला बाग की घेराबंदी कर लेते हैं और बिना कुछ कहे बिना कुछ चेतावनी दिए बिना लोगों को कहे कि आप इसको खाली कर दीजिए दे स्टार्टेड ओपन फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड्स मतलब वहाँ जितने भी लोग थे जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ गैदर हुई थी उन बेचारों पे जो कि अनआर्म्ड रहते हैं उनके पास कोई आर्म नहीं है वो तो नॉर्मल मीटिंग करने गए थे फेस्टिवल मनाने गए थे उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है तो देखिए कि एंटायर नेशन जो था इट तो वॉ स्टंड एट दैट टाइम कि यार इतना बड़ा इंसिडेंट एंड इतने सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है इसमें ऐसा एस्टीमेट किया गया है कि मोर देन 1500 पीपल वर इंजर्ड एट दैट टाइम एंड थाउजेंड वर किल्ड सोचिए आप कितना बड़ा इवेंट uh, हुआ है ये उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में एक वेल हुआ करता था लोग अपने आप को फायरिंग से बचाने के लिए उसमें uh, कूद के मर जाते हैं तो ऐसा था पूरे एंटायर नेशन को बहुत धक्का लगता है इस बात से क्योंकि देखा जाए तो एक हजार लोगों का एक साथ मरना वो भी किसने मारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर इंडियंस तो इसके प्रोटेस्ट में जब इंडियंस को गुस्सा आता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जो ही हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल दिया था नाइटहुड का वो उसको त्याग देते हैं साथ ही साथ गांधी जी भी केसर ए हिंद का टाइटल जो है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में इतनी बड़ी चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दी है अब इसके साथ क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी के जो सत्याग्रह के आइडियाज हैं दैट आर बेस्ड ऑन वॉट एंड नॉन-वायलेंस तो वो इस इवेंट को इस रॉलेट सत्याग्रह को विथड्रॉ कर लेते हैं मूवमेंट को हमने देखा कि सिक्स अप्रैल को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और तेरह अप्रैल को बैसाखी के दिन बाग मैसेकर हो जाता है तो जब गांधी जी देखते हैं कि इतनी वॉयेंट एक्टिविटी हुई है तो गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं अभी मूवमेंट को कब करते हैं अप्रैल एटीन नाइनटीन नाइनटीन में अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली चीजें हमारे लिए जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है कि जो डायर थे जनरल डायर ही इंश्योर्ड बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश राज यहाँ से जो ब्रिटिश राज है उसकी खत्म होने की शुरुआत होती है ठीक है ए पी जे टेलर जो हिस्टोरियन है फेमस उनने कहा है जलियावाला बाग में एक डेसेसिव मूवमेंट है एक डेसेसिव मोमेंट है वेयर इंडियंस वर एलिनेटेड फॉर ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया को समझ आता है कि हमारा मात्र एक ही दुश्मन है दैट इज ब्रिटिश एंड देयर रूल ठीक है तो यहाँ हमारा खत्म होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रोलेक्ट एक्ट एंड जलियाँ बाग मैसेकर क्योंकि नेशन वाइड इसकी निंदा की जाती है जलियाँ बाग मैसेकर की तो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को बचाने के लिए एक शोकेस करती है एक हंटर कमिटी बनाती है कि ये कमिटी जो है वो इस पूरी इवेंट की इंक्वायरी करेगी और हमको अपना रिस्पॉन्स बताएगी या रिपोर्ट देगी तो कमिटी बैठाई जाती है टू तो इंक्वायर ओवर जलियां वाला बाग में से कर हालांकि ये जो कमिटी रहती है वो हमारे हित में इंडियंस के हित में कभी भी अपना रिस्पॉन्स तो देती नहीं दे कंपनी इम्पोज्ड नो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डायर क्लीन चिट को कि डायर की उस समय पर कोई गलती नहीं थी उसने मार्शल लॉ को सेव करने के लिए और उसको ये शंका थी कि यहाँ पर क्या है प्रोटेस्टर्स है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो उन पर ओपर फायरिंग कर दी तो हंटर कमेटी जो रहती है ये क्या करती है क्लीन चिट छोड़ देती है डायर को इस तरीके से ख़त्म होता है जलियाँ वाला बाग मैसेकर हमने स्टार्टिंग में देखा था जब गांधी जी एंटर होते हैं इंडिया में तो उनको एक रीजनल इश्यूज मिलते हैं ठीक है तो उन्होंने रीजनल इश्यूज को सॉल्व किया अब एक फ़ाइनली उनको मास जो है नेशन वाइड एक इशू मिला था रॉलेट एक्ट का लेकिन ये जलियाँ वाला मैसेकर के इंसीडेंस की वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो अभी विथड्रॉ हो जाता है अब हमको देखना है कि जलियाँवाला बाग मैसेकर के बाद इंडिया की क्या कंडीशन होती है और किस तरीके से हम अगला अपना नेशन वाइड एक मूवमेंट है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं तो अगले लेक्चर्स में क्योंकि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देती हूँ इंडिया की स्थिति क्या थी बैकग्राउंड में हमने देखा हमने देखा था 1914 में चालू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है 1919 में उसकी एंडिंग होती है तो अब यहाँ एंड हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में तो पोस्ट वॉर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है इट गेट डिटोरिएटेड बहुत ही बुरी इकोनॉमी जो थी हमारी ब्रिटिशर्स ने इस टाइम कर दी थी ठीक है इम्पोर्ट्स हैं उनको हद से ज़्यादा महंगा कर दिया था इंडियन रुपी जो था उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया था तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी हमारी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी ठीक है महंगाई बहुत बढ़ गई थी उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिना कन्विक्शन के उठाए जा रहे हैं बिना कन्विक्शन के ट्रायल में ले जा रहे हैं ठीक है बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हैं तो ये हमको एक रीज़न मिल गया अगला मूवमेंट स्टार्ट करने का मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब में ठीक है सत्यपाल और किचड़ू को अरेस्ट कर लिया उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट इवेंट जो हुआ है वो है जलियावाला बाग में उसके बाद आई हंटर कमेटी हंटर कमेटी में भी इंडियंस का कोई हित नहीं था उन्होंने कहा डायर तो बेगुना है छोड़ दो डायर को तो ये एक रीजन मिल गया उसके बाद हम देखते हैं मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर ड्रिफोर्ट ये एक रिफॉर्म ये एक पा, एक्ट पास होता है 1919 में हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीरीज ऑफ एक्ट पास करती है तो इसी तरीके से 1919 में भी एक एक्ट पास होता है मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर ड्रिफोर्ट ठीक है अगर आपको इन रिफॉर्म्स को इन एक्ट को अच्छे से पढ़ना है पूरा डीपली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए तो आप प्लीज पॉलिटी की जो हमारी लेक्चर सीरीज अमितेश सर ले रहे हैं वहां पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मैं अपने हर लेक्चर में बता रही हूँ वहां जाके एक्ट्स कंप्लीट करिए तो इसमें एक प्रोविजन देख लेते हैं डाय की का ठीक है डाय आरकी का प्रोविजन लाते हैं मतलब डाईआर की रूल ऑफ टू तो डायर की प्रोविजन में इनने क्या करा वाइस रॉय जो है उसको और भी पावर्स दे दिए ठीक है हमने क्या सोचा था कि इनने हमको एक स्टेटमेंट पास किया था 1917 में किसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप पेसिफाई कर लीजिए अभी होम रूल लीग मूवमेंट को हम आपके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करने वाले हैं हमारे अगले एक्ट में पर इन्होंने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायर की इंट्रोड्यूस कर दी जिसमें वाइस को और भी पावर्स दे दिए तो हमारा यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसके साथ इस टाइम पर इस इस मोमेंट में एक लखनऊ पैक्ट भी पास होता है उन्नीस नाइन्टीन सिक्सटी में जिसका हमने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है इसमें क्या होता है मुस्लिम्स भी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ जाते हैं और साथ में सूरत में जो एक्स्ट्रमेट्स और मॉडरेट्स अलग हो गए थे वो भी अब किसके साथ जुड़ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने टाइम तक वीक थी वो अब क्या स्ट्रॉन्ग होती जा रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं ठीक है तो मासेस जो है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएगी तो ये था हमारी इंडिया की कंडीशन एट द टाइम ऑफ 1919 दाइन विच फर्द माई लेक्स ठीक है तो प्लीज राइट ऑन कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ठीक है थैंक यू